My question is, I've read this poster. They say that music and dance is like not accepted in Islam. Why is that? I mean, you cannot say it's generally also you can, you know, listen to music or singing or dance or whatever. You cannot just say like only for Bharatanatyam or for any form of dance you have music. In general music also we have you when you praise God, when you show your emotions. Why is it said that music and dance is not allowed? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम, तमाम सामईन को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के सवालात और जवाबात के सेशंस की इस वीडियो को आप अहबाब के लिए उर्दू जबान में ट्रांसलेट किया गया है, इसका तर्जुमा किया गया है ताकि आपके समझने में और इस पर अपनी राय देने में आसानी हो। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब से एक हिंदू लड़की ने ये सवाल किया कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके मजहब इस्लाम के अंदर हमें जिंदगी की बुनियादी चंद चीज़ों से क्यों रोका जाता है। मिसाल के तौर पर हमें मौसीकी से क्यों रोका जाता है, नाचने गाने से क्यों रोका जाता है, हालांकि ये तो बरेसगीर पाक व हिंद की ट्रेडिशन है, ये तो यहाँ का कल्चर है। और मैं आपके दीन के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगर मना किया गया है तो यकीनन इसकी कोई वजह होगी, वो वजह मैं आपसे जानना चाहती हूँ। दोस्तों, जब उस लड़की ने ये सवाल कर लिया तो डॉक्टर जाकिर नायक तशरीफ़ लाए और आपने सवाल दोहराने के बाद ये कहा कि मेरी बहन ने जो सवाल किया है इसका जवाब ये है कि जब कोई इंसान मौसीकी सुनता है और मौसीकी के अंदर मुकम्मल तौर पर इंडल्ज हो जाता है, मौसीकी को अपने जितने उसके हवास हैं उन पर सवार कर लेता है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से नाला हो जाता है, बेपरवाह बेखबर हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि उसकी ज़िंदगी में क्या भौंचाल बरपा हो रहा है, और इस वजह से उस शख्स की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। यही बुनियादी वजह है कि इंसान को जब भी मौसीकी सुनने का मन करे वो कोशिश करे कि वो तिलावत सुन ले, या फिर तिलावत के अलावा अगर वो कोई नात वगैरह सुन ले तो वो भी उसके लिए बेहतर है। आलात मौसीकी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हराम करार दिए हैं। अल्लाह तबारक तआला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक भी आलात मौसीकी की इजाज़त नहीं दी मा सिवाय दफ़ के। और दफ़ के बारे में भी रिवायात जो हैं उनमें ये बाकायदा तौर पर आता है कि जब सरकार दो आलम शफी मौज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा पहुँचे तो वहाँ पर छोटी छोटी मासूम लड़कियों ने आप अलैहिस्सलाम की आमद पर तलाल बद्र अलैना, जो एक बहुत मारूफ नात भी है, ये दफ़ के साथ पढ़ी थी। और उनका ये रिवाज था उस दौर में कि वहाँ पर दफ़ के साथ जो है वो अपने मेहमान का इस्तकबाल किया जाता था। सरकार की चूँकि नात पढ़ी गई और दफ़ के ज़रिए इंसान अपने होशो हवास भी नहीं खोता, इसलिए वहाँ पर जो है वो आपको इस चीज़ की इजाज़त दी जाती है। हाँ, अगर यही मामला कहीं और हो, मिसाल के तौर पर आप अगर बेस बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो इंसान आपने गौर किया होगा कि मदहोश हो जाता है, उसके होशो हवास उसके काबू में नहीं रहते, इसलिए जब वो अल्लाह की याद से बेगाना हो गया है तो उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं मिलती। फिर दूसरा सवाल का जो हिस्सा था कि हमें गाने बजाने से तो रोक दिया गया, नाचने से क्यों रोका गया, तो इसके बारे में डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी आंखों के सामने से अभी तक कोई ऐसी हदीस या कोई ऐसी आयत तो नहीं गुजरी जिसमें यह लिखा गया हो कि नाचना जो है ये हराम है, या नाचने के ऊपर किसी किस्म की कोई ममानियत या कोई इस तरह का मामला हो। उन्होंने कहा कि ये मुबाह है, यानी ये नापसंदीदा करार दिया गया है। बाकी अगर जिस तरह मिसाल के तौर पर सिगरेट पीना है, अब वो हराम तो नहीं है लेकिन मुबाह है, अगर आप नहीं पीते तो बहुत अच्छा है, पी भी लेते हैं तो उसका गुनाह कोई नहीं, अलबत्ता कोई अमल इतना पसंदीदा नहीं है। तो अब चूँकि नाचने में दो तीन चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो ये है कि जब आप नाचते हैं आप बिल्कुल मदहोश होते हैं, फिर जब आप नाचते हैं तो अमूमी तौर पे आपकी बॉडी जो है वो एक्सपोज हो रही होती है। अगर खातीन नाच रही हैं तो आप देखें कि उनके जिस्म में फवाशी का बड़ा गहरा जो है वो उनसे यहाँ पे पाया जाता है। फिर कहीं पे किसी की शादी पे, ब्याह पे, दीगर तकरीबात पे अगर कोई लोग नाचते हैं तो आपने देखा होगा कि अकेला अकेला कोई नहीं नाचता, अमूमी तौर पर लोग जोड़ों के अंदर नाच रहे होते हैं। तो जब जोड़ों के अंदर लोग नाचेंगे, उसमें लड़का और लड़की दोनों होंगे, तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ पर मौजूद लोगों के जहनों पर क्या असरात मुरतब होंगे और लोग किस निगाह से इस लड़का और लड़की के जोड़े को देख रहे होंगे, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा बखूबी है। लिहाजा आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि जब कोई इस तरह से जो है वो गैर महरम सबके सामने नाचते गाते हैं तो भी जो है वो फुहाशी के मुर्तकिब होते हैं, मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, इसलिए गाने से और नाचने से अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल ने मना फरमाया। इसके साथ ही वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे। रिलीजन 72 को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।